सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, टेक्निकल ज्ञान चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट के बारे में। जो हमारे घर में मीटर लगा होता है वो मीटर कोई भी गवर्नमेंट से आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से आ रही है, तो उसमें वो लोग बिल दे देते हैं हमें, जो हो सकता है 1 मंथ का हो या फिर कुछ जगह पर 2 मंथ का एक साथ भी आता है, तो वो दे देते हैं हमें बिल के भैया आपका इतने रुपये हुए है, आपने इतना यूनिट किया है कंजप्शन। तो ये यूनिट क्या है? जो कि पावर जो चलता है वो सिर्फ 3 चीज़ों से चलता है। अगर अल्टरनेटर यानी कि एसी करंट की बात करूँ तो एसी करंट में सबसे पहले हम आता है वोल्टेज, फिर आता है करंट यानी कि एम्पियर, और तीसरा आता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कहीं भी वो चीज़ का मेंशन किया नहीं जाता और सिर्फ आपको दिखाया जाता है कि भाई आपने तो इस मंथ इतना यूनिट कंजप्ट कर दिया है, आपको आएगा इतना बिल। तो हम लोग भी पे कर देते हैं बिल, मगर कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि भाई ये यूनिट का हिसाब क्या होता है। अगर एक यूनिट है तो वो कितना पावर हमने कंजप किया, और उन लोगों को कैसे पता चला कि हमने इतना ही पावर कंजप किया? वो तो ठीक है, एक मीटर लगा दिया, मगर उसका हिसाब क्या होता है, उसका काउंटिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और कौन सी चीज़ पे ये लोग काउंट करते हैं? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बनाई बहुत टाइम पहले बनाई है, उसमें पावर, वोल्टेज और वोट के बारे में बताया है। यानी कि पावर, वोल्टेज और करंट, ये तीनों चीज़ मैंने डिफाइन की है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे आई बटन पे वीडियो, तो वो पहले देख लीजिए ताकि जो मैं बात करने वाला हूँ आगे तो आपको पता चले कि वो कौन सी चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सब भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आप वीडियो स्टार्ट से लेके लास्ट तक यानी कि शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि बहुत सारे मुझे जो कमेंट आते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में वो बात कर दी होती है, मगर सभी लोगों ने लास्ट तक वीडियो नहीं देखा होता है और कमेंट कर देते हैं कि इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आए। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको मैं जो भी बात कर रहा हूँ आपके ये आपके तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं यूनिट की। तो जो यूनिट में हिसाब होता है वो सिर्फ वोट का होता है। वोट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, किलो वोट और वोट, ठीक है? तो पूरा हिसाब होता है वोट से। 1 किलो वोट का हिसाब करते हैं ये लोग 1 यूनिट का। मगर उसमें क्या होता है, सबसे पहले वोट के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, वो तो वीडियो बनाई है। जो भी हम एनर्जी कंजप करते हैं, जैसे कि मेरे पास एक 800 वोट का सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन एनर्जी को हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है कोई भी चीज़ में। जैसे कि हमारा सीलिंग फैन घूम रहा है और हमें दे रहा है हवा, तो एनर्जी को क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है और हम हवा लेने, जैसे कि एक लैंप है, कोई भी एक टंगस्टन लैंप है या फिर LED लैंप है या फिर CFL लैंप है, तो एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म को हमने सिर्फ कन्वर्ट किया और कन्वर्ट किया लाइट में। तो इस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ये उसको नष्ट नहीं करते, उसको दूसरी चीज़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बात होगी इलेक्ट्रिसिटी की। अब वोट का ये हिसाब है कि 1000 वोट पे 1 किलो वोट होता है, यानी कि 1000 वोट 1 किलो वोट, और ये लोग पकड़ के चलते हैं 1 किलो वोट का। तो KW आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो इसमें समझ लीजिए कि जो वोट होता है, मैंने आपको समझाया कि उसको हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, वो जो हमारा एनर्जी यूजेस होता है वो वोट में होता है। तो मीटर सिर्फ उसको पकड़ पाता है वोट को। अब ये लोगों ने क्या किया, पहले तो 1000 वोट ले लिए यानी कि 1 KW ले लिया, और KW को 1 घंटे के साथ मिला दिया, यानी कि 1 ओवर में आप कितने वोट यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपको आएगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब एक बात करते हैं कि मैंने 1 घंटे में 1000 वोट का कंजप्शन किया, इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ की, तो मुझे कितना बिल आएगा, तो मुझे आएगा 1 घंटे में 1 यूनिट। एक एग्जाम्पल रहते हैं कि जो टंगस्टन लैम्प, पुराने वाला लैम्प हम पहले यूज़ करते थे टंगस्टन लैम्प, वो 100 वोट में आता था, तो 100 वोट का लैंप मैंने 1 घंटे यूज़ किया तो मुझे आएगा बिल 100 वोट का। अगर मैंने 10 घंटे यूज़ किया तो 1 यूनिट उसका लग जाएगा, यानी कि मैंने जो 100 वोट वाला लैंप है वो 10 घंटे तक यूज़ किया, और 10 घंटे यूज़ करने पे मेरा मीटर में 1 यूनिट लग गया। तो इस हिसाब से उसका इस हिसाब से वो लोग काउंट करते हैं, मतलब 1 किलो वोट पे वो लोग 1 यूनिट गिनते हैं 1 घंटे में।
ठीक है। अगर एक घंटे में आपका ज़्यादा यूजेस है तो आपका 2 यूनिट, 1.5 यूनिट, 2.5 यूनिट उस हिसाब से आ सकता है, 1.5, 2.5 या फिर 2 यूनिट भी आ सकता है। मगर आपका एक यूनिट से भी कम यूजेस है, जैसे कि बात करता हूँ कि मेरा यूजेस भाई एक घंटे में हाफ एन है, यानी कि मैं 500 वोट ही यूज़ करता हूँ, तो मुझे कितना यूनिट आएगा? तो मुझे आधा यूनिट इनके हाफ यूनिट आएगा बिल इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसकी तरफ से। तो वो लोग ये टोटल यूनिट का हिसाब करते हैं, 30 डेज का या फिर 2 मंथ का हिसाब करते हैं, और जो रीडिंग है वो लेते हैं मीटर में से, और मीटर में से रीडिंग लेके हमें यूनिट से बिल आता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट मतलब 1000 वोट और 1 घंटा, दोनों को मिला के ये लोगों ने बना दिया है एक यूनिट। तो अब जब भी आपके घर पे बिल आया तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि आपने इस महीने कितने वोट यूज़ किए हैं और आपका यूनिट क्या है, और ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि हर एक आदमी को, हर एक जो भी कस्टमर है इलेक्ट्रिसिटी का जो भी यूज़ करता है उसके तक पहुँच जाए ये वीडियो, और उसको भी पता चले कि यूनिट क्या है। वीडियो आपको आया होगा पसंद, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।